नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज योर मनी में हम लेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल और इन सवालों के जवाब देंगे वाइस एंड बेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सिगी। हेमंत, आपका स्वागत है। लेते हैं अपने पहले दर्शक का सवाल। हरदीप सिंह बेलापुर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरदीप, गुड इवनिंग, आपका सवाल क्या है, पूछिए। गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल है कि मैंने नवंबर 2007 में रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड में निवेश किया था, तो अभी उसमें काफी लॉस चल रहा है, तो मैं 2-3 साल तक इसमें बना रह सकता हूँ, तो क्या इसमें बना रहना चाहिए या इसे निकलकर किसी और फंड में निवेश किया जाए? क्या आपका एक ही सवाल है हरदीप? जी नहीं, मेरा दूसरा सवाल है कि मेरे पिताजी, जिनकी उम्र 65 साल है, वो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें उन्हें फिक्स्ड मंथली रिटर्न्स आते रहें। ठीक है, तो हेमंत, सबसे पहले इनका सेक्टोरियल फंड में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, अपने दर्शकों को कहते हैं कि सेक्टोरियल फंड में निवेश ना करें, तो इस फंड के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है आप कविता, आपने एक्चुअली क्या होता है, सेक्टर फंड जो होते हैं बहुत रिस्की माने जाते हैं। वो इसलिए रिस्की माने जाते हैं क्योंकि उनके जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जो होता है, यानी जिस तरह के वो कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी बहुत ही नैरो होता है। यानी जैसे पावर सेक्टर फंड है, तो पावर सेक्टर से जो जुड़ी कंपनी है उसमें ही ये फंड इन्वेस्ट करेगा। और आई थिंक इस फंड के साथ वही हुआ जो नॉर्मली एक सेक्टर फंड के साथ होता है। क्या होता है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है काफी इरेटिक रहती है, कभी कुछ समय अच्छा रहेगा, कुछ समय बहुत खराब रहेगा। तो हरदीप, अगर आप अपने इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें, 2008 तक इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, उसके बाद से पिछले 3 या 3.5 साल में इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। जैसा मैंने कहा, ऐसा सेक्टर फंड के साथ काफी बार होता है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, जैसे जैसे हमने देखा कि जो रिफॉर्म्स होने चाहिए पावर सेक्टर में वो नहीं हुए, या जितना जो पैसा कमिट करना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से उतना नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इसके परफॉर्मेंस से फर्क पड़ा है। देखिए, दो चीजें आपको यहां देखनी है हरदीप, कि एक तो आपका टाइम होराइजन कितना है। यहां से आपने कहा 2 या 3 साल आप इंतजार कर सकते हैं। दूसरा ये देखना है कि आपका एक्सपोजर इस फंड में आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना है। 2-3 साल के समय के लिए मुझे लगता है इसमें रिकवरी होगी, ये पोटेंशियल इसमें है अच्छा, ये कोई इसमें कोई डाउट नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन हमको ये देखना है कि हमारा टाइम होराइजन कितना है, कितने समय तक हम इंतजार कर सकते हैं। 2-3 साल आप देख रहे हैं, 2-3 साल का ही अगर आपका टाइम होराइजन है, तो मुझे लगता है फिर ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप, हालांकि आपके पोर्टफोलियो में भी लॉस होगा, वहां से निकल के आप एक किसी डाइवर्सिफाइड फंड में जाइए। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी करके एक फंड है, उसमें आप जाइए। अगर आप दोनों की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करें तो काफी फर्क है आगे समय में भी, क्योंकि स्पेशली टाइम होराइजन के हिसाब से अगर आप वेट कर सकते हैं लंबे समय और आपका एक्सपोजर इसमें ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसमें बने जा सकते हैं। बट अगर टाइम होराइजन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो मेरी सलाह कि आप यहां से निकल के आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में अपने पैसे को आप स्विच कर लीजिए। दूसरा जो आपका सवाल है कि आपके फादर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में मंथली इनकम के लिए, देखिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है म्यूचुअल फंड में जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिले। ये स्कीम्स हैं यहां पे मंथली इनकम प्लान, जिनको हम डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड बोलते हैं। इन फंड्स के अंदर करीब 80-85% पैसा जो है वो जाता है डेट के अंदर, और बाकी पैसा जो है इक्विटी में जाता है। लेकिन क्योंकि यहां पे इक्विटी पोर्शन है, तो उसके पोटेंशियल जो है ट्रेडिशनल एमआईपी जैसे पोस्ट ऑफिस की जो एमआईपी है उससे बेहतर है, लेकिन यहां पे रिस्क भी है। तो अगर आप चाहें तो कुछ पैसा जो है बहुत ज्यादा इसमें ना लगाएं, क्योंकि अगर सेफ्टी अगर मेन मुद्दा है, तो फिर ट्रेडिशन में लगाइए, यहां पे थोड़ा इतना पैसा मत लगाएं। तो मेरी कविता, इनको सलाह ये रहेगी कि कुछ हिस्सा जो है लगा सकते हैं। दो फंड मैं उनको बता रहा हूं यहां पे, रिलायंस एमआईपी है और दूसरा है एचडीएफसी एमआईपी लॉन्ग टर्म। दो फंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एचडीएफसी एमआईपी जो है, इसमें जो पेमेंट है डिविडेंड की वो काफी कंसिस्टेंट है, परफॉर्मेंस दोनों के करीब करीब बराबर है, लेकिन रिलायंस के अंदर थोड़ा सा इरेटिक है, कभी ज्यादा थोड़ा कम। तो हम दोनों के कम्बिनेशन के हिसाब से अगर आप पैसा लगाएं तो लगा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ध्यान रखिए क्योंकि इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर है, रिस्की है, बट रिटर्न के पोटेंशियल भी बेहतर है। तो हरदीप, आपके लिए सलाह यही निकल रही है कि आपके जो पिताजी हैं वो एमआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, तो आप रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड में बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 या 3 साल की ही टाइम होराइजन है, तो आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में स्विच कर सकते हैं इस फंड को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, नासिक से विक्रम देशमुख हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रम, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है, मुझे 25 इयर्स तक का टाइम पीरियड है मेरे पास, जिससे मुझे 2 ब्रेकअप में अमाउंट चाहिए। आफ्टर 18 इयर्स
18 साल के बाद मुझे 80 लाख चाहिए एंड आफ्टर 25 इयर्स आई रिक्वायर अनदर 25 लाख, तो ऐसे टोटल 1 करोड़ मुझे रिक्वायरमेंट है। तो अभी एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है जो 11,000 पर मंथ आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड एंड पीपीएफ में मैं 35,000 पर ईयर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे मैंने फंड एलोकेशन दिया है, तो वेदर वो फंड एलोकेशन सही है कि नहीं मुझे जानना है। ठीक है विक्रम, आप मुझे बताइए आपने किस एम से 80 लाख और 25 लाख का टारगेट रखा है? 80 लाख फॉर हायर एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, सन के लिए मेरे, एंड मैरिज के लिए आफ्टर 25 इयर्स अनदर 25 लाख, ये दो मेरे गोल है लॉन्ग टर्म में। तो हेमंत, गोल्स के हिसाब से आपको इनकी इन्वेस्टमेंट अब तक कैसी लगती है? कविता, सबसे पहले विक्रम के जो दो गोल्स हैं यहाँ पे, और एक दोनों का जो टाइम होराइजन है, एक का 18 इयर्स है, एक का 25 इयर्स है। जब भी हम इतने लंबे समय के लिए कोई भी एक बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि आप ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जहां पे आपका रिटर्न जो है इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो आई थिंक ऐसे में इक्विटी फंड के अंदर एसआईपी से इन्वेस्ट करना इनके लिए बिल्कुल सही है, जो ये कर भी रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले विक्रम की आपकी जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट करने की एसआईपी के द्वारा इक्विटी फंड के अंदर, वो बिल्कुल सही है। आई थिंक वहां तक बिल्कुल सही है। अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करने से पहले अब हम देखते हैं कि आपके जो दो टारगेट है वो उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। पहला आपका जो टारगेट है वो है 80 लाख रुपीस आपको 18 इयर्स में चाहिए, और दूसरे में आपको 25 लाख 25 साल में चाहिए। दोनों में अगर जैसा मैंने कहा, अगर इक्विटी में ये एसआईपी करें और हम 12% का अगर एनुअलाइज रिटर्न यहां पे मान के चले, तो पहला जो आपका जो टारगेट है 80 लाख का, उसके लिए आपको करीब 11,000 रुपए इन्वेस्ट करने, और दूसरा जो टारगेट है 25 लाख का, उसके लिए आपको करीब 1500 रुपए इन्वेस्ट करने। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी होनी चाहिए 12,500। आप ऑलरेडी 11,000 रुपए इक्विटी फंड में एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहां पे सिर्फ आपको 1500 रुपए और इन्वेस्ट करना है। तो आपके दोनों गोल जो हैं, अगर आप इस प्रोसेस को जो आपने टाइम होराइजन बोला है इसमें कंटिन्यू करें, तो मुझे लगता नहीं किसी भी कारण से आपके वो टारगेट जो है अचीव यहां पे नहीं होंगे। दो पोर्टफोलियो में चेंजेस बताना चाहूंगा यहां पे। एक इनके पास है रिलायंस ग्रोथ फंड, मुझे लगता है उससे आप, जैसा मैंने एक फंड की पहले बात की रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी, और जो एडिशनल पैसा आपको डालना है 1500 रुपए वो भी आप उसके अंदर डाल दें। और एक और चेंज मैं आपको बोल रहा हूं कि डीएसपी ब्लैक रॉक जो टॉप 100 है उसकी जगह में आप फोकस में आप एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करें। इसलिए नहीं कि डीएसपी ब्लैक रॉक 100 अच्छा फंड नहीं है, इसलिए कि आपके पास एचडीएफसी टॉप 200 ऑलरेडी है जो ब्रॉड बेस्ड है, और आईसीआईसी फोकस जो है वो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है। तो विद इन सेम एसेट क्लास अगर डिफरेंट फिलॉसफी डिफरेंट स्ट्रेटजी के फंड रखें तो पोर्टफोलियो के बेहतर रहता है। ये दो चेंजेस कीजिए, और जैसा मैंने कहा इस प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करें टाइम होराइजन, तो डेफिनेटली अपने आप टारगेट को अचीव करेंगे। तो विक्रम, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके गोल्स के इन लाइन ही है बिल्कुल। सिर्फ आपको 1500 रुपए और डालने हैं। आपको दोनों आपके जो एम्स है उसके लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाना होगा। रिलायंस ग्रोथ की जगह आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में पैसे डालिए, साथ ही डीएसपी बीआर टॉप 100 से बाहर निकल जाएं और आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड में ये पैसे आप डालें। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। लौट कर हम बात करेंगे आलोक से, जो 15 साल में जुटाना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है, हमें भेज सकते हैं आपको सवाल msfmoneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल हमें भेजिए, अपना नाम भेजिए, साथ में शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें उसके साथ। तो कहीं मत जाइए, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज योर मनी में हम ले रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल, और इन सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तगी। लेते हैं अगला सवाल। आलोक जैन हमारे साथ बैंगलोर से मौजूद है फोन लाइन पर। आलोक, आपका सवाल क्या है, पूछिए। नमस्ते कविता जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों के कार्यक्रम की ये सबसे अच्छी बात है कि आप निस्वार्थ सलाह देते हैं, अन्यथा मुझे ऐसा फील होता है कि फाइनेंशियल प्लानर लोग सिर्फ अपना स्वार्थ ध्यान में रखकर ही सलाह देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक मिस्टर आलोक। सवाल पूछिए, क्या है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्रतिवर्ष अपने म्यूचुअल फंड का चुनाव बदल देता हूँ। आपके वेबसाइट से ही उसी श्रेणी का, जैसे लार्ज कैप या मिड कैप का दूसरा म्यूचुअल फंड जिसका स्टार रेटिंग ज्यादा होता है, उसको मैं अगले एक साल के लिए एसआईपी कर देता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये समझना है कि ये क्या सही तरीका है या फिर मुझे
वही म्यूचुअल फंड 10-15 साल के लिए फिक्स कर देना चाहिए। और मेरा अभी वर्तमान में जो म्यूचुअल फंड का चुनाव है वो ऐसा है कि डीएसपी ब्लैक रॉक, एचडीएफसी इक्विटी फंड, आईडीएफसी प्रीमियर, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड, मतलब 5-6 फंड हैं जी, जी। कुल मिलाकर मैं 19,000 रुपए प्रति माह निवेश कर रहा हूँ। अच्छा। और अंततः मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 1 करोड़ रुपए अगले 12-15 साल में अपने बच्चे की शिक्षा और सेवा रिटायरमेंट के लिए मतलब इकट्ठी करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप जो अपने फंड के सिलेक्शन में बदलाव करते हैं हर साल, वो कोई खास वजह से मिस्टर आलोक? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर साल जो उनका रिटर्न होता है उसके बेसिस पे जो आपके वेबसाइट पे जैसे रेटिंग होता है, किसी का 5 स्टार, किसी का 4 स्टार होता है, तो मैं 1 साल तक तो लॉक कर देता हूँ, लेकिन अगले साल फिर मैं उस समय जिसकी ज्यादा स्टार रेटिंग होती है उसको अगले 1 साल के लिए ले लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। हेमंत, सबसे पहले तो फंड बदलने की आदत पे आप क्या कहना चाहेंगे? हर साल ये अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं मेरे ख्याल से। देखिए कविता, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हर साल किसी भी कारण से फंड बदलना कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। ये हर फंड के साथ होता है कि अगर आप एक ही साल की परफॉर्मेंस देख के या रेटिंग देख के अगर आप उस पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो की सेहत के लिए भी अच्छा है। ऐसा हर किसी फंड के साथ होगा, क्योंकि देखिए अगर आप लार्ज कैप में भी देखें यहां पे आलोक जी, तो उसमें हर तरह के फंड होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनके जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है वो अलग होगा, डिफरेंट सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करेंगे। कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर जो सेक्टर सेगमेंट में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो अच्छा चल रहा है, अगले साल वो शायद दूसरा अच्छा चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हर रेटिंग जो है एक पैरामीटर हो सकती है, लेकिन वो अकेला एक डिसीजन बनाने वाले के लिए फैक्टर है मुझे नहीं लगता बहुत सही डिसीजन है। आपको फंड को समय देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार फंड का चुनाव करें तो अगले 15 साल तक उसको देखें नहीं, डेफिनेटली मॉनिटर कीजिए, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपके फंड ही अगर देखूंगा, अभी 6 फंड हैं आपके पास यहाँ पे इक्विटी में, इनमें उसमें 3 फंड जो हैं वो मिड कैप फंड है, एचडीएफसी इक्विटी एक मल्टी कैप है जहां पे भी मिड कैप में एक्सपोजर है, डायनेमिक जो है फंड आईसीआईसीआई का उसमें भी थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपने शायद चाहते हुए ना चाहते हुए भी जो मिड कैप सेगमेंट है उसमें आपका जो एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक बार जो फंड चुने, अनलेस एंड अंटिल उस फंड की परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई हो, ऐसा कुछ कारण हो जो जब आपको लगे चेंज करने की जरूरत है, तो हर साल आप पोर्टफोलियो में बदलाव मत कीजिए। जैसा मैंने कहा, रेटिंग एक पैरामीटर हो सकता है लेकिन वो अकेला डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 1-2 चेंज मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हम बात करेंगे आपका जो टारगेट है वो कैसे अचीव करेंगे। अगर हम 15 साल का यहां पे आपका टाइम होराइजन लेके चले, हालांकि आपने 12-15 का है, तो मैं 15 साल का टाइम होराइजन अगर यहां मान के चलूं और 12% के एनुअलाइज रिटर्न अगर हम पकड़े तो करीब आपको 21,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 19,000 के आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं तो 2,000 रुपए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है। जो आप एग्जिस्टिंग फंड है आपके पोर्टफोलियो में, ऐसे फोकस ब्लू चिप, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर कम करना चाहिए, तो एक जो डीएसपी स्मॉल एंड मिड कैप है उसमें से आप एसआईपी बंद कीजिए और एचडीएफसी इक्विटी में वो अमाउंट आप ऐड कर दीजिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं किस तरह से आप एक्सपोजर जो है मिड कैप में कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये जो अपनी जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा सा बदल दीजिए, हर साल फंड में मत चेंज कीजिए, और क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो है करीब 15 साल का है, अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें 15 साल तक तो डेफिनेटली इनका टारगेट जो है अचीव हो सकता है। तो आलोक जी, आपके लिए सलाह यही निकल कर आ रही है कि थोड़ा सब्र करें, फंड को टाइम दें, परफॉर्म करने के लिए भी हर साल फंड सिलेक्शन चेंज करना अच्छी बात नहीं है, और साथ ही आप इनलाइन ही है अपने एम के मुताबिक। अभी आप 19,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपको 21,000 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आपको 2,000 रुपए डालने हैं आईसीआईसीआई फोकस्ड ब्लू चिप फंड में। ये सलाह आपके लिए निकल कर आ रही है। अगला सवाल लेते हैं जो कि हमें ईमेल आया है पवन कुमार का। हेमंत, ये 29 साल के हैं और कोटक गोल्ड म्यूचुअल फंड में ये 1,000 रुपए डालते हैं हर महीना एसआईपी के जरिए। जानना चाहते हैं कि 3 साल में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, कोटक गोल्ड फंड जो बेसिकली फंड ऑफ फंड है, इसमें जो भी आप पैसा लगाते हैं वो कोटक का जो ईटीएफ है उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये जो फंड होते हैं फंड ऑफ फंड। अगर आप चाहते हैं कि ईटीएफ खरीदे और आपके पास अगर मान लीजिए डीमैट अकाउंट नहीं है, आप नहीं जानते कि किसी ब्रोकर के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करना, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। तो आई थिंक उनका जो सिलेक्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए वो काफी अच्छा है। 3 साल का होराइजन, मुझे लगता है जहां तक गोल्ड का सवाल है, हर पोर्टफोलियो में गोल्ड की जगह है। थंब रूल है 10-15% आपका पोर्टफोलियो गोल्ड में हो सकता है। एक्चुअल कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है आप किस ऑब्जेक्टिव से आप
इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, क्या आप हेजिंग कर रहे हैं या आप गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं बच्चे की शादी है किसके लिए, तो आई थिंक एक्चुअल एक्सपोजर वहां पर डिपेंड करता है। मेरा यह मानना है हर समय पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा गोल्ड में रहना चाहिए। इनका जो टाइम होराइजन है वो करीब 3 साल है, 3 साल में भी मुझे लगता है गोल्ड का रिटर्न अगर आप उसको डेट पोर्टफोलियो से कंपेयर करें तो उससे बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोशिश कीजिए कि पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आपके गोल्ड में हर समय आपके पोर्टफोलियो में रहे, तो वही आपके लिए सही स्ट्रेटजी रहेगी। बिल्कुल, तो पवन कुमार के साथ साथ बाकी दर्शकों के लिए भी ये सलाह है कि गोल्ड में कम से कम 10-15% आपका एक्सपोजर होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि लौटकर बात करेंगे अंकित से जो करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हैं तो हमें भेजिए mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें अपना सवाल भेजते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। तो कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आज योर मनी में हम ले रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े सवाल और इनके जवाब दे रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। लेते हैं अगला सवाल, अंकित जैन आगरा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अंकित, गुड इवनिंग, आपका सवाल क्या है, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए। मैम मेरा सवाल है, मेरा नाम अंकित है जी। मैं 26 इयर्स का हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2000 रूपये का है ICICI ब्लू चिप फोकस इक्विटी ब्लू चिप फंड जी, और 1000 रूपये में इन्वेस्ट कर रहा हूँ डिस्कवरी ग्रोथ फंड में। अच्छा। मैंने मैम अभी रिसेंटली अभी जो शीट निकाल के एनालिसिस किया है, मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,000 का है इन दो सिप में, और जो मुझे रिटर्न जो मिल रहा है वो 37,000 का मिल रहा है अभी। ठीक है। सो मैम पहला क्वेश्चन ये कि मैम शुड आई कंटिन्यू दीज टू फंड्स फॉर बेटर रिटर्न इन फ्यूचर और शुड आई नीड टू चेंज। ठीक है, हेमंत आप क्या कहेंगे? देखिए अंकित, सबसे पहले आपने कहा कि आपका टाइम होराइजन 10 साल है, 1.5 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज मत कीजिए, उसके हिसाब से आप फ्यूचर के डिसीजन मत लीजिए। ये इक्विटी मार्केट हमने देखा है पिछले कुछ समय से वॉलेटाइल है, तो जाहिर सी बात है उसका असर जो है पोर्टफोलियो पे दिखेगा। ये दोनों फंड अच्छे क्वालिटी फंड है, ICICI फोकस प्योर लार्ज कैप है और ICICI डिस्कवरी जो एक वैल्यू फंड है जिसको मिड कैप कैटेगरी मान सकते हैं। दोनों फंड में आप कंटिन्यू रखिए, स्पेशली क्योंकि आपका टाइम होराइजन जो है 10 साल है, दोनों फंड अच्छे क्वालिटी फंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इनका जो दूसरा सवाल था 7,000 रूपये जो इनको डालने थे, इसमें मैं कहूंगा कि क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ICICI फोकस जैसा फंड है जो काफी अच्छा लार्ज कैप फंड है, इसके अंदर 3,000 रूपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी 4,000 फंड जो है वो HDFC इक्विटी जो एक मल्टी कैप फंड है उसमें करें, बहुत ज्यादा फंड पोर्टफोलियो में शामिल मत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। जोधपुर राजस्थान से हमारे साथ उल्लास कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूछिए आपका सवाल क्या है उल्लास। मैम मैंने मेल किया था अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जी, तो बड़ी मतलब मेरे को रिटर्न अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए कल बाद 30 लाख रुपीज, तो मेरे इस फंड इस इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा ये कोई फंड चेंज करना पड़ेगा? ठीक है, इन्हें 30 लाख रुपए चाहिए लगभग, जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं 20 साल में 30 लाख रुपए चाहिए हेमंत। और देखिए इनके जो टाइम होराइजन है 20 साल का है, 30 लाख का इनका टारगेट है। यहाँ पे भी अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो करीब इनको 3,000 रूपये इन्वेस्ट करने हैं इक्विटी फंड्स के अंदर, 2,500 की SIP ये ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें और प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये एज ए लमसम। आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लास्ट में कहूंगा कि SIP और लमसम दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, क्योंकि 500 रूपये का शॉर्टफॉल है क्योंकि आप उसके साथ में आप लमसम पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो आपको कोई भी तकलीफ या दिक्कत होनी चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने में। तो जहां तक टारगेट का सवाल है वो डेफिनेटली अचीव होगा। पोर्टफोलियो में एक या दो चेंजेस आपको बता रहा हूं मैं, एक तो आपका जो रिलायंस रेगुलर सेविंग है उसको आप बंद कीजिए, और दूसरा जो है आपका मैग्नम कॉन्ट्रा, इन दोनों फंड को आप इनकी इन्वेस्टमेंट बंद करके आप कैन रबेको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लीजिए जो एक मल्टी कैप फंड है, काफी अच्छे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है। ये दो चेंजेस कर लीजिए, उसकी जगह में एक नया फंड ले लीजिए और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें, डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ हेमंत, समय निकालकर स्टूडियो आके अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और योर मनी में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल हैं तो हमें भेजिए mf@moneycontrol.com पर। जब आप हमें अपना सवाल भेजते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।